हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज हम पढ़ेंगे नर युग्म कोश विद का विकास। नर युग्म कोश विद मेल गैमेटोफाइट का विकास। नर युग्म कोश भेद का विकास अपन पढ़ेंगे। तो आपने पहले पढ़ा कि जब लघु बीजाणु शतुष्क से चारों लघु बीजाणु पृथक होते हैं तो उनकी आकृति गोलाकार हो जाती है, वो क्या कहलाते हैं? पराग कण कहलाते हैं। तो ये क्या है? पराग कण, पराग कण, पोलन ग्रेन, ठीक है ना। ये पराग कण जो होता है वो कैसा होता है? एक कोशिक होता है, एक केंद्र की होता है, अगुणित होता है, और इसके चारों ओर जो भित्ति पाई जाती है सबसे बाहरी, इसे एग्जाइन कहा जाता है, और आंतरिक भित्ति जो होती है इसे इंटाइन कहा जाता है, और ये इसका कोशिका द्रव्य है, और ये इसका केंद्रक है, ठीक है। न्यूक्लियस, साइटोप्लाज्म, ठीक है। तो ये क्या कहलाता है? पराग कण कहलाता है। अब ये पराग कण परागण की क्रिया के द्वारा पुष्प की वर्तिकाग्रह पर गिरता है, और वर्तिकाग्रह पर ये पराग कण अंकुरित हो जाता है। जब ये पराग कण पुष्प की वर्तिकाग्रह पर अंकुरित होता है तो ये अंकुरित पराग कण क्या कहलाता है? नर युग्म कोश भिद कहलाता है। नर युग्म कोश भिद कहलाता है, यानी कि मेल गैमेटोफाइट कहलाता है। तो इस पराग कण से अंकुरित पराग कण तक की बनने की जो क्रिया है वो नर युग्म कोश भिद का विकास कहलाती है। अब ये पराग कण किस प्रकार से अंकुरित होता है, ये सारी घटनाएं जो होती हैं हम इसमें अध्ययन करेंगे कि किस प्रकार से पराग कण अंकुरित होता है। तो अंकुरित पराग कण क्या कहलाता है? अंकुरित पराग कण जो होता है वो नर युग्म कोश भिद कहलाता है। और इस नर युग्म कोश भिद की प्रारंभिक कोशिका क्या है? पराग कण। पराग कण से इसका विकास प्रारंभ होता है, और ये जब परिपक्व हो जाता है तब इसे नर युग्म कोश भिद कहते हैं। इसमें जनन क्षमता होती है, इसमें नर युग्मक होते हैं जो निषेचन क्रिया के द्वारा युग्मनज का निर्माण करते हैं, ठीक है ना। तो ये क्रिया अपन पढ़ेंगे। तो देखिए, सबसे पहले क्या होता है, जब ये पराग कण लघु बीजाणु शतुष्क से पृथक होता है तो उसके अंदर तेजी से वृद्धि होती है, यानी कि ये आकार में बड़ा हो जाता है। इसके जीव द्रव्य के अंदर रिक्तिकाएं उत्पन्न हो जाती है, जिसके कारण जीव द्रव्य जो होता है वो परिधि की ओर गमन करने लगता है, यानी कि इसका जीव द्रव्य जो होता है वो परिधि की ओर एक पतली परत के रूप में जमा हो जाता है, और इस प्रकार इसकी आकृति जो होती है वो बड़ी हो जाती है। तो ये संरचना सबसे पहले होती है। तो मैं यहाँ लिख लेता हूँ क्या क्या होता है। नंबर एक, आकार में वृद्धि। नंबर दो, रिक्तिकाओं का प्रकट होना, रिक्तिकाओं का प्रकट होना। नंबर तीन, जीव द्रव्य का परिधि की ओर, परिधि की तरफ विस्थापित, ये क्रिया होती है पराग कण के अंदर। जैसे ही पराग कण बनता है, पराग कण का विकास होता है, तो सबसे पहले ये होता है, यानी कि ये क्या है? ये जीव द्रव्य, यानी कोशिका द्रव्य, साइटोप्लाज्म, ये क्या है? ये रिक्तिकाएं, ये और ये रिक्तिकाएं। इस प्रकार से ये आकार में बड़ा हो जाता है। अब क्या होता है? अब देखिए, जैसे ही इसके रिक्तिकाएं जो होती हैं प्रकट हो जाती है, जीव द्रव्य परिधि की ओर गमन करने लगता है या गमन कर लेता है, उस समय इसके केंद्रक के अंदर समसूत्री विभाजन होता है,
ठीक है ना, केंद्र के अंदर समसूत्री विभाजन होता है और जिसके फलस्वरूप केंद्र दो केंद्रकों में बट जाता है, समसूत्री विभाजन। समसूत्री विभाजन होता है वो भी किस प्रकार का होता है, वो असममित त्रिकु तंतुओं के द्वारा होता है, जिससे एक केंद्रक परिधि की तरफ रहता है और एक केंद्रक मध्य से दूर चला जाता है। किसके द्वारा होता है? असममित त्रिकु तंतुओं द्वारा। क्या होता है? केंद्रक विभाजन, जिससे कितने केंद्रक बन जाते हैं? दो केंद्रक बन जाते हैं, ठीक है ना। एक केंद्रक जो होता है वो परिधि से दूर होता है और एक केंद्रक जो होता है वो परिधि के पास में होता है। जो इस केंद्रक को क्या कहते हैं? इसे बोलते हैं कायिक केंद्रक। कायिक केंद्रक, वेजिटेटिव न्यूक्लियस, और दूसरा जो होता है इसे बोलते हैं जनन केंद्रक। जनन केंद्रक, जनरेटिव न्यूक्लियस। तो दो प्रकार के केंद्रक बन जाती हैं। जब प्रथम बार समसूत्री विभाजन होता है तो इसके अंदर दो केंद्रक बनते हैं, एक कायिक केंद्रक और दूसरा जनन केंद्रक। अब इन दोनों केंद्रकों के मध्य भित्ति का निर्माण हो जाता है। जब दोनों केंद्रकों के मध्य भित्ति का निर्माण होता है तो इनमें दो कोशिकाएं बन जाती हैं। जब इन दोनों केंद्रकों के मध्य कायिक केंद्रक और जनन केंद्रक, इनके मध्य भित्ति का निर्माण हो जाता है तो दो कोशिकाएं बन जाती हैं। एक बड़ी कोशिका होती है जिसके अंदर कायिक केंद्रक हैं, इसे बनती है कायिक कोशिका। क्या बनती है? कायिक कोशिका। वेजिटेटिव सेल, और दूसरी जो छोटी कोशिका होती है इसे बोलते हैं जनन कोशिका। जनरेटिव सेल तो दो प्रकार की कोशिकाएं बन जाती हैं, वेजिटेटिव सेल और जनरेटिव सेल। इसे बोलते हैं द्वि कोशिकीय अवस्था। यहाँ तक का विकास परागकण का पराग कोष के अंदर लघु बीजाणुधानी के अंदर ही होता है, यानी कि द्वि कोशिकीय अवस्था तक परागकण जो होते हैं वो पराग कोष के अंदर होते हैं। और अब इस स्थिति के अंदर इस पराग कोष का स्फुटन होता है, कहाँ से होता है? स्टोमियम के स्थान पर, जहाँ एक पराग कोष की पाली के मध्य जो खांच पाई जाती है वो क्या कहलाती है? स्टोमियम। स्टोमियम की जगह से पराग कोष जो होता है वो स्फुटित हो जाता है, फट जाता है, जिससे द्वि कोशिकीय अवस्था में पराग कण प्रकीर्णन हो जाते हैं, निकल जाते हैं। तो पराग कणों का प्रकीर्णन किस अवस्था में होता है? द्वि कोशिकीय अवस्था के अंदर होता है। अधिकांश आवृतबीजी पादपों में पराग कणों का प्रकीर्णन द्वि कोशिकीय अवस्था के अंदर होता है, जिनके अंदर दो कोशिकाएं होती हैं। कौन सी? कायिक कोशिका और जनन कोशिका। कुछ पादपों के अंदर तीन कोशिकाओं में ही पराग कणों का प्रकीर्णन होता है, लेकिन अधिकांश पादपों के अंदर, अधिकांश आवृतबीजी पादपों के अंदर पराग कणों का प्रकीर्णन दो कोशिकीय अवस्था में होता है। ये कौन सी अवस्था है? द्वि कोशिकीय अवस्था। द्वि कोशिकीय अवस्था कहलाती है। प्रकीर्णन के बाद का विकास जो है वो पराग कणों का परागण क्रिया होती है, और परागण क्रिया के दौरान ये पराग कण पुष्प की वर्तिकाग्रह पर गिरते हैं, जिससे इन पराग कण और पुष्प की वर्तिका यानी कि स्त्री केसर के मध्य पारस्परिक क्रिया होती है, जिसमें इन पराग कणों की पहचान की जाती है। अगर ये पराग कण उसी जाति का है तो ये वर्तिकाग्रह पर अंकुरित होता है। तो यहाँ द्वि कोशिकीय अवस्था से
अंकुरण तक का विकास जो होता है वो पुष्प की वर्तिकाग्र पर होता है। इसके अंदर दो कोशिकाएं होती है, एक बड़ी कोशिका है वो कौन सी है, वो कायिक कोशिका है। छोटी कोशिका है वो कौन सी है, वो जनन कोशिका है। तो कायिक कोशिका कैसी होती है, देखिए कायिक कोशिका जो होती है वो आकार में बड़ी होती है, दूसरी बात। और जब ये कायिक कोशिका वृद्धि करती है तो इसका केंद्रक जो होता है वो अनियमित आकृति का हो जाता है, केंद्रक जो होता है अनियमित आकृति का हो जाता है। ऐसा माना जाता है जब ये पराग कण वर्तिकाग्र पर अंकुरित होता है तो पराग नली का विकास इस कायिक कोशिका से ही होता है, यानी कि पराग नली जो होती है वो इस कायिक कोशिका से निकलती है और बाद में ये कायिक कोशिका नष्ट हो जाती है। अब दूसरी बात करें जनन कोशिका, जनन कोशिका जो होती है वो छोटी होती है। केंद्रक के अंदर कायिक कोशिका और जनन कोशिका में डीएनए की मात्रा बराबर होती है, लेकिन कायिक कोशिका के जीव द्रव्य के अंदर प्रोटीन व आरएनए की मात्रा जनन कोशिका के जीव द्रव्य से अधिक होती है, इसीलिए कायिक कोशिका बड़ी होती है। जनन कोशिका विकास की प्रारंभिक अवस्था के अंदर पराग कण की भित्ति से जुड़ी हुई होती है। जब ये जनन कोशिका अपना विकास पूर्ण कर लेती है, यानी कि भित्ति का निर्माण पूर्ण कर लेती है, तब ये पराग कण की भित्ति से अलग हो जाती है और कायिक कोशिका की ओर वृद्धि करती है, ठीक है ना, कायिक कोशिका की ओर वृद्धि करती है। जनन कोशिका की आकृति प्रारंभ में गोलाकार होती है और धीरे धीरे इसकी आकृति जो होती है वो परिवर्तित हो जाती है, यानी कि कृमि रूपी हो जाती है, त्रकु रूपी हो जाती है, चपटी हो जाती है, क्योंकि ये जनन कोशिका पराग नली के अंदर गति करती है। जब पराग नली के अंदर आसानी से गति कर सके इसलिए इसकी आकृति चपटी कृमि रूपी त्रकु रूपी हो जाती है। जनन कोशिका प्रारंभ के अंदर पराग कण की भित्ति से जुड़ी हुई होती है और जब ये जनन कोशिका अपने चारों ओर भित्ति का निर्माण पूर्ण कर लेती है तो ये पराग कण की भित्ति से अलग हो जाती है और ऊपर की ओर वृद्धि करती है। उस समय इसकी आकृति गोलाकार होती है और धीरे धीरे विकास की अवस्थाओं के अंदर इसकी आकृति में परिवर्तन होता है और ये चपटी कृमि रूपी त्रकु रूपी हो जाती हैं, ताकि ये पराग नली के अंदर आराम से गति कर सके, आसानी से गति कर सके, ठीक है ना। तो इस प्रकार की ये दोनों कोशिकाएं जो होती है, कायिक कोशिका अंत में समाप्त हो जाती है। ऐसा माना जाता है कि कायिक कोशिका से पराग नली का निर्माण होता है। जनन कोशिका जो होती है, जनन कोशिका से समसूत्री विभाजन होता है दूसरी बार। प्रथम बार समसूत्री विभाजन कहाँ हुआ, यहाँ पर, जिसने कितने बने, दो केंद्रक बने, अंत में क्या बनी, दो कोशिका बनी। दूसरा समसूत्री विभाजन जो है वो जनन कोशिका में होता है और इस जनन कोशिका से दो कोशिकाएं बनती हैं, वे दोनों कोशिकाएं नर युग्मक कहलाती है। कैसे होती है, देखिए ये जो है ये पराग कण अंकुरित हो जाता है। जैसे ही ये पराग कण जो द्विकोशी की अवस्था में वर्तिकाग्र पर गिरता है तो इस प्रकार से इसका विकास होता है और विकास के बाद में ये वर्तिकाग्र के द्वारा या फिर स्त्री केसर के द्वारा इस पराग कण का चयन कर लिया जाता है, पराग कण की पहचान कर ली जाती है। अगर ये उसी जाति का है तो ये पराग कण उस वर्तिका से पोषक पदार्थों को अवशोषित करेगा और जैसे ही उस पोषक पदार्थों को अवशोषित करेगा तो इसके अंदर का जीव द्रव्य है वो बढ़ेगा, विशेष रूप से किसका, कायिक कोशिका का। अब जैसे ही जीव द्रव्य बढ़ेगा तो इसके बाहर की ओर कौन सा आवरण है, एक्जाइन है। एक्जाइन कैसा आवरण होता है, कठोर आवरण होता है, इसमें किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं होता। लेकिन एक्जाइन के अंदर ऐसे स्थान होते हैं जहां पर एक्जाइन का जमाव नहीं होता, यानी कि वहां पर स्पोरोपोलिलिन नहीं पाया जाता, इन्हें क्या कहते हैं, इन्हें जर्म पोर कहते हैं, जनन छिद्र कहते हैं। इन जनन छिद्रों से जैसे ही ये पोषक पदार्थों को अवशोषित करेगा तो अंदर का आयतन बढ़ेगा और इन जनन छिद्रों से पराग नली निकलेगी। क्या निकलेगी, एक नलिका निकलेगी, इस नलिका को क्या कहेंगे, पराग नलिका, पराग नलिका कहेंगे, या अपन क्या कहेंगे, पोलन ट्यूब।
ठीक है, तो पोलन ट्यूब का निर्माण होता है किससे होता है, जनन छिद्रों से, ठीक है, किससे होता है, ऐसा माना जाता है कि काई कोशिका से पराग नलिका निकलती है। अब जैसे ही इसके अंदर पराग नलिका निकलती है तो इसके अंदर कितनी कोशिकाएं होती हैं, तब इसके अंदर दो कोशिकाएं होती है। कौन कौन सी कोशिकाएं होती है, देखिए एक कोशिका जो होती है वो यहां पर है, ये कौन सी कोशिकाएं, ये कोशिकाएं जनन कोशिका, और दूसरी कौन सी कोशिका है, और दूसरी कोशिका जो होती है ये केंद्रक है इसका अनियमित आकृति का, ये है काईक कोशिका। अब ये जनन कोशिका जो होती है वो किस में प्रवेश करती है, ये जनन कोशिका इस पराग नली के अंदर प्रवेश करती है। ये पराग नली वर्तिका से होती हुई अंडाशय में प्रवेश करती है और अंडाशय से बीजाणु में प्रवेश करती है। जितनी लंबी वर्तिका होगी उतनी लंबी पराग नलिका होगी, ठीक है। तो ये जनन कोशिका किस में प्रवेश करती है, इस पराग नलिका में प्रवेश करती है। जब ये पराग नलिका में प्रवेश कर जाती है और जब ये पराग नलिका अंडाशय में प्रवेश कर जाती है, जैसे मान लेते हैं कि ये जनन कोशिका यहां पर आ गई, अब इस जनन कोशिका के अंदर समसूत्री विभाजन होता है और ये जनन कोशिका दो कोशिकाओं में बट जाती है। कितनी कोशिकाओं में, दो कोशिकाओं में, कैसी कोशिकाएं, अगुणित, क्योंकि जनन कोशिका कैसी है, अगुणित, और क्या बन गई, अगुणित दो कोशिकाएं बन गई और ये कहलाती हैं क्या, नर युग्मक कहलाती हैं, नर युग्मक कहलाती हैं या मेल गैमेट कहलाती हैं, ये मेल गैमेट कहलाते हैं, नर युग्मक कहलाते हैं। अब कितने नर युग्मक बने, दो नर युग्मक बने, यानी कि ये नर युग्मक कहाँ जाएंगे, ये नर युग्मक बीजांड में प्रवेश करेंगे और दो बार निषेचन की क्रिया संपन्न करेंगे, ठीक है ना। तो इस प्रकार से ये अंकुरित जो पराग कण है वो क्या कहलाता है, नर युग्मकोद्भिद या मेल गैमिटोफाइट कहलाता है। किस प्रकार से बना, यानी कि पराग कण से द्वि कोशिकीय अवस्था तक का विकास पराग कोष के अंदर और द्वि कोशिकीय अवस्था से पराग कण के अंकुरण तक का विकास पुष्प की वर्तिका ग्रह पर होता है, ठीक है ना। एक बार दोबारा देख लीजिए, समझ में आ जाएगा। पराग कण लघु बीजाणु शतुष्क से जब लघु बीजाणु पृथक हो जाते हैं तो उनकी आकृति गोलाकार हो जाती है जो पराग कण कहलाती है। ये पराग कण जो होते हैं दोहरी भित्तियों के द्वारा घिरे रहते हैं, सबसे बाहरी एक्जाइन और उसके बाद की आंतरिक एंटाइन, और इसके अंदर होता है कोशिका द्रव्य और केंद्रक। अब ये पराग कण विकास करता हुआ क्या बनेगा, नर युग्मकोद्भिद का निर्माण करेगा। सबसे पहले ये आकार में वृद्धि करता है और इसके अंदर रिक्तिकाएं उत्पन्न हो जाती हैं जिससे जीव द्रव्य परिधि की ओर विस्थापित होता है। अब इसके केंद्र के अंदर समसूत्री विभाजन होता है, ये समसूत्री विभाजन असममित तर्कु तंतुओं के द्वारा होता है और जिससे दो केंद्रक बनते हैं, एक केंद्रक जो काई केंद्रक कहलाता है और दूसरा केंद्रक जनन केंद्रक कहलाता है। अब इन केंद्रकों के मध्य भित्ति के निर्माण हो जाने से दो कोशिकाएं बन जाती हैं, बड़ी कोशिका जो होती है वो काई कोशिका कहलाती हैं और छोटी कोशिका होती है वो क्या कहलाती हैं, जनन कोशिका कहलाती हैं। इस द्वि कोशिकीय अवस्था के अंदर पराग कणों का प्रकीर्णन होता है अधिकांश आवर्तविजी पादपों के अंदर। द्वि कोशिकीय अवस्था के बाद में परागण क्रिया होती है जिससे ये पराग कण जो होता है वो वर्तिका ग्रह पर गिरता है और आगे का विकास पुष्प की वर्तिका ग्रह पर होता है। इस पराग कण और स्त्री केसर के मध्य पारस्परिक क्रिया होती है जिससे इस पराग कण की पहचान की जाती है। अगर ये पराग कण उसी जाति का है तो ये पराग कण वर्तिका ग्रह पर अंकुरित होता है। इसके अंदर जो काई कोशिका होती है वो बड़ी कोशिका होती है, जीव द्रव्य भी अधिक होता है और इनका केंद्रक जो होता है पहले गोलाकार होता है और बाद में अनियमित आकृति का हो जाता है और ऐसा माना जाता है कि काई कोशिका से पराग नली बनती है और अंत में ये काई कोशिका नष्ट हो जाती है। अब दूसरी जनन कोशिका जो होती है जो प्रारंभ के अंदर पराग कण की भित्ति से चिपकी हुई होती है और जैसे ही ये जनन कोशिका अपनी भित्ति का निर्माण पूर्ण कर लेती हैं तो पराग कण की भित्ति से पृथक हो जाती हैं और ऊपर की ओर गमन करती हैं।
ठीक है ना। और इस जनन कोशिका की आकृति जो होती है पहले गोलाकार होती है और बाद में चपटी और त्रिकुरूपी हो जाती हैं। और ये जनन कोशिका जैसे ही पराग नली बनती हैं तो पराग नली के अंदर गमन करती हैं और पराग नली के अंदर इस जनन कोशिका में समसूत्री विभाजन होता है दूसरी बार। प्रथम बार समसूत्री विभाजन जो होता है वो यहाँ पर हुआ। दूसरी बार समसूत्री विभाजन और जनन कोशिका से दो कोशिकाएं बनती हैं। इन कोशिकाओं को नर युग्मक कहा जाता है। पराग कण को नर युग्मकोद्भिद की प्रथम कोशिका या मात्र कोशिका कहते हैं। अंकुरित परागकण नर युग्मकोद्भिद मेल गैमेटोफाइट कहलाता है। अंकुरित परागकण जो होता है वो नर युग्मकोद्भिद कहलाता है। जब परागकण लघु बीजाणुधानी के अंदर होते हैं तब नर युग्मकोद्भिद का विकास प्रारंभ हो जाता है जब परागकण द्विकोशिकीय अवस्था में होते हैं तब अधिकांश आवर्तबीजी पादपों में परागकणों का प्रकीर्णन होता है। कुछ पादपों में तीन कोशिकीय अवस्था एकाई कोशिका और दो नर कोशिका या दो नर युग्मक। तीन कोशिकीय अवस्था में पराग कणों का प्रकीर्णन होता है। उदाहरण वल्गेरिस पराग कणों के द्विकोशिकीय
अवस्था से बाद का विकास पुष्प की वर्तिका ग्रह पर होता है, जिसमें जनन कोशिका में समसूत्री विभाजन से दो नर युग्मक का निर्माण होता है। पराग कणों को लंबे समय तक द्रव नाइट्रोजन तापमान -196 डिग्री सेल्सियस में भंडारित किया जा सकता है, पराग कणों को द्रव नाइट्रोजन में कई वर्षों तक संरक्षित रखा जा सकता है।